जॉब, यस आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब। मैं वो सुबह सुबह से निकलो फिर रात तक आओ ये होप में कि मैं घर में जाके पढ़ाई करूंगा, मेरे से नहीं हो रहा वो चीज और मैं अब जॉब क्विट करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग माई जर्नी फ्रॉम सी ए फाउंडेशन टू क्लियरिंग माई सी ए इंटर टू कमिंग एज अ सी ए फाइनल स्टूडेंट वर्किंग इन आर्टिकल सी फॉर 3 ईयर कंटिन्यूसली। लाइफ की वाट लगी होती है जहां पर हमें पता नहीं होता हमें करना क्या है लाइफ में। 3 साल ऐसे गुजर जाती है, ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना खुद को टाइम दे पाते हैं, ना सोशल लाइफ को टाइम दे पाते। और फिर सीए फाइनल में यदि नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग गए आपकी तो आप घबरा के जॉब ज्वाइन कर लेते हो। जहां पर क्यों जॉब ज्वाइन करते हो? बिकॉज यू हैव ग्रोन अप एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली नाउ, एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। एंड हमें ये तो प्रॉब्लम होता ही है कि भाई अब खुद का पैसा तो कमाना है ना, कोई भी सोर्स होनी चाहिए ना। एंड क्योंकि हम सीए फाइनल स्टूडेंट है, हमें नॉलेज है आर्टिकल सिप की, वी नो हाउ टू ऑडिट, वी नो हाउ टू डू एवरीथिंग एज अ सीए। जहां पर बहुत सारी प्रोफाइल है सीए के, हर काम हम सीख चुके होते हैं कहीं ना कहीं आर्टिकल सिप में, तो हम कमा सकते हैं। तो इसलिए हम फोकस नहीं करके सीए फाइनल के एग्जाम में हम जॉब ज्वाइन कर लेते। एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ 3 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द जॉब वी रियलाइज कि हमारी सीए तो निकल ही नहीं रही है, फाइनल में अटके हुए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट एंड सीए। अब लॉट ऑफ डिफरेंस में मतलब पता ही क्या है? सबसे बड़ी डिफरेंस मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज दैन द जूनियर सीए बट यू विल बी पेड लेस बिकॉज यू डोंट हैव प्रीफिक्स, यू डोंट हैव दैट सिग्नेचर। तो यहां बहुत बड़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। एंड बहुत सारी चीजें होती है क्लाइंट, जब तक आप पूरी उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करो सब कुछ करो, बट क्लाइंट विल वेट फॉर द सीए नॉट फॉर यू बिकॉज यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट। आपकी लाइफ की वाट लगी होती, अब 10 से 10 काम करने के बाद पढ़ाई करने का तो स्कोप ही नहीं बचता है। आप यदि पढ़ाई कर भी लेते हो कोई ना कोई थ्योरी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, लॉ या ऑडिट हो, कहां से निकलेगी सीए फाइनल मेरी? नहीं निकलने वाली ऐसी। आई वांट टू क्विट माय जॉब एंड आई एम सीरियस ऑन दिस। Talking about the responsibilities, now at present, I have some saving. I will talk to my parent, I will talk to my families. If they agree, fine. If they don't agree, then also I will take the step to quit my job. Ab quit my job se ek cheez bahut badi cheez aati hai. What is the probability that I will be clearing my CA final if I quit my job? Achhi khasi 40,000 ki naukri padi hui hai, but mujhe meri prefix chahiye. Kyunki meri life mein growth nahi hai CA ke bina. Main wahin par hi 40 mein atka raha jaunga zindagi par. 4 साल की एक्सपीरियंस एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, आपका काम का एक्सपीरियंस बस डिग्री नहीं, आप वहीं पर अटके, ग्रोथ नहीं है लाइफ में, कहां जाऊं मैं? मुझे प्रोबेबिलिटी यदि 0 भी होना मेरी फाइनल क्लियर करने की, क्विट करने के जॉब के बाद, देन आल्सो आई वांट टू टेक दिस रिस्क एंड आई वांट टू परस्यू माय सीए एंड कंप्लीट माय सीए। आई वांट टू वर्क बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट। बहुत हो गया।